पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज एमपी के एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर खुशी जताते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बालाघाट आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए सीएम मोहन ने कहा कि शक्ति का प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज अपने अपने घर से लोकसभा क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में ही सीमित हो गए हैं। संवत्सर की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। विक्रम संवत का आज का दिन, नए वर्ष का पहला दिन, हम सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे, मैं कामना करता हूँ। और आज के दिन हमारा सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं, बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत, संबल, ऊर्जा देगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, मैं प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। हम सब देख रहे हैं कि शक्ति के मामले में, खास करके महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की दृष्टि और कांग्रेस की भाषा क्या रहती है, लेकिन शक्ति का ये पर्व आज नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब कामना करें। हमने सबने देखा शक्ति का ही प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज अपने घर से नहीं निकल पा रहे, अपने लोकसभा क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे, ये अपने सीमित हो गए अपने अपने क्षेत्र में। और बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारे अपने आदिवासी अंचल से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है, सबसे बड़े ऐसे उदाहरण से ही जनता में और सभी वर्गों में विश्वास खड़ा होता है। जो माननीय मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वास्तव में ये उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से चुनाव के इस पावन पर्व पर आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिल करके पुनः भाजपा के साथ चलें, मोदी जी की एक बार फिर सरकार बनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।